नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी भी शोर में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको देसी स्टाइल से यानी यूपी स्टाइल, देसी स्टाइल जो गांव से जुड़ा होता है उसको देसी बोलते हैं, तो आपको मैं देसी स्टाइल से निमोना बना के दिखाऊंगी। हमारे कई जानने वाले पहचानने वाले हमारे मित्र हैं, सहेलियाँ हैं, तो कई बार हमको अपने घर में निमोना बना के खिलाई हूँ। वो पूछते हैं कि आप निमोना कैसे बनाती हो, तो मैं बोली भाई बताइए उनसे, तो मैं बोली भाई तमाम डला है निमोना, आप सर्च करके देखो। बोले नहीं, हम लोग बनाते हैं, वैसा नहीं बनता जैसा आप बनाई, आप कैसे बनाई हो ये बताओ। मैं उनको बताई तो बोले भाई आप इस स्टाइल जैसे हमको बना के खिलाए हैं वैसा ही निमोना आप यूट्यूब में डालें, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सोंधा है, बहुत अच्छा है। तो उन लोग को भी मैं बताई, यानी कि तो वो लोग दो चार जन हमको बता दी। तो मैं सभी बहनों को, भाइयों को, बेटियों को, माताओं को बताना चाहूँगी जैसे हमारे यहाँ निमोना बनता है यूपी में, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में, वैसा निमोना मैं आपको बना के बताऊंगी। और मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि जो हरी मटर होती है ये काफ़ी कोलेस्ट्रॉल घटाने के काम में आती है। अगर आप हरी मटर रोज़ 100 ग्राम खाते हैं, यानी जैसे सलाद में या ऐसे ही नमक मिर्च लेकर, हरी मिर्च लेकर खाते हैं, तो जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो काफ़ी कंट्रोल में हो जाता है। आप आज से हरी मटर, बहुत सारे लोग जानते भी हैं, खाते भी हैं, मैं भी बहुत खाती हूँ हरी मटर, तो हरी मटर खाने से कोलेस्ट्रॉल काफ़ी घटता है। जो मैं आपको निमोना बना के दिखाऊंगी उसमें मैं आपको दो प्रकार बताऊंगी, एक तो बना के दिखा रही हूँ, बता दूंगी, कम तेल में भी निमोना बनता है, कम मसाले में भी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यूपी स्टाइल देसी तरीके से निमोना बनाना। ये है मटर, देखिए ये मटर है, तो इस मटर को हम छील लिए हैं। ये 500 ग्राम मटर है और इसको मैं विशेष दिखाना चाहूँगी। ये है धनिया का फल, ये धनिया की पत्ती है, जैसे पत्ती तो सभी डालते हैं, ये तो हम धनिया की पत्ती को नहीं डालेंगे, ये धनिया का फल है। इस फल को हम ऐसे तोड़ के, ये कटोरी है, तो इस धनिया के फल को आपको मैं दिखा रही हूँ इस तरीके का, ये तोड़ के अलग कर लेंगे और इसी धनिया को हम इस निमोना में डालेंगे। आप भी ऐसे डालें, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही खुशबू आएगी इस धनिया में। तो इस धनिया को हम डालेंगे और बाकी सामग्री दिखाना चाहेंगे आपको। ये है 2 टमाटर, ये है आलू, ये है बड़ी जो कि उड़द की बड़ी, हम वीडियो में डाले भी हैं पिछले साल, आप उसको देखें, ये बड़ी है 5। और ये है हरी मिर्च और ये है लाल मिर्च, आप कोई भी मिर्च डाल सकते हैं। ये लहसुन की कलियाँ हैं 5 से 7, ये अदरक है, ये नमक, ये जीरा और ये हल्दी और ये गरम मसाला। तो मैं आलू को मैं आपको बताना चाहूँगी कि आलू आप जैसे कि बहुत सारे लोग तेल नहीं खाते हैं तो आप उबली आलू डाल सकते हैं, आलू को उबाल के पतला पतला काट लें उसको डाल सकते हैं, और जो तेल खाते हैं वो आलू को फ्राई करके बनाएंगे। आपको मैं निमोना बनाना बता रहा हूँ, आलू को मैं पहले छील ली हूँ। आलू हर सब्जी में अलग अलग तरीके से आलू पड़ती है, इस आलू को हम इस तरीके से काटेंगे पतला, ऐसे निमोना बनाने के लिए आलू ऐसा ही काटा जाता है, ऐसे पतला, ये एक ही साइज का, ऐसे आप पूरी आलू को काट लीजिए। ये सरसों का शुद्ध तेल है, तो ये तेल गरम हो गया है, अब हम इस आलू को फ्राई कर लेंगे। जैसा कि मैं बता भी रही हूँ कि अगर आप तेल नहीं खाते तो आप उबली हुई आलू भी डाल सकते हैं निमोना में, ज़रूरी नहीं कि आप आलू फ्राई करके ही डालें। अब इस आलू को हम फ्राई कर रहे हैं, ये देखिए टमाटर, तो टमाटर को हम ऐसे बड़ा बड़ा सा ऐसे काटेंगे, मतलब हर सब्जी का अलग ढंग होता है काटने का, ये देखिए ये, तो ऐसे ही आप भी ऐसे लंबा टमाटर ऐसे काटिए इस तरीके से। आधा किलो हमारा है, ये मोटा भाग हम निकाल देंगे, आधा किलो मटर है तो उसमें हम ये 2 टमाटर लिए हैं, ये टमाटर का ये वाला भाग सब्जी में न डालें, ये अच्छा नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए ये टमाटर, इस तरीके से हम टमाटर को भी काट लिए, और ये आलू देखिए ये फ्राई हो गई है,
थोड़ा सा और बाकी है, लाल करना, लाल कर लेते हैं। और ये शुद्ध सरसों का तेल है, तो जितने भी फूल लगे हैं हम फूल के साथ ये तेल का भी सुगंध मिक्स हो गया है, बहुत सोंधा महक रहा है आलू। ये थोड़ा सा हम इसको और भून के फिर निकाल लेंगे। जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसे हम आलू में जितना तेल डालते हैं शुरू में, तो हम जब आलू को छानेंगे तो वो पूरा का पूरा तेल कढ़ाही में बचा हुआ रहेगा, यानी कि आलू पकने के बाद पूरा तेल बाहर उसका निकल जाता है, यानी ज़्यादा तेल अपने अंदर नहीं लेता आलू, थोड़ा सा तेल में फ्राई हो जाता है। अगर कम तेल डालेंगे तो आलू जलने लगती है, इसलिए ज़्यादा तेल ही डाल के आलू को फ्राई करें। तो ये आलू पूरी तरह से पक गई है, लाल हो गई है, अब हम इसको निकाल लेंगे। आप देखेंगे इसमें तेल बचा रहेगा, इसी में हम बाकी सब्जी बना लेंगे। ये देखिए आलू फ्राई हो गई है। ये धनिया है, धनिया का फल, और ये दो हरी मिर्च है, ज़्यादा मिर्च न डालें नहीं तीखा हो जाएगा। और ये लहसुन की कलियां हैं कुछ, और थोड़ा सा हम अदरक डालेंगे, हो गया। और इसको हम पीसेंगे। थोड़ा सा मैं पानी डाल देती हूँ, हल्का सा, और थोड़ा इसको और पीस लेते हैं। ये देखिए ये पीस गया है। ये मटर है, हम इसमें से थोड़ा सा मटर इतना निकाल ले रहे हैं, इतना हम खड़ी मटर डालेंगे। और मैं आपको और बता दे रही हूँ, जैसे आप बाज़ार से जो मटर लाते हो तो आप पहले, अगर अच्छा नमूना बनाना है तो आप पहले खा के देखो कि मटर खाने में मीठा है कि नहीं। कभी कभी बहुत बासी मटर रहता है, तो वो क्या है, ऐसे आप खाओगे ना तो एकदम से ऐसे सूखा मटर को भिगो दो वैसा स्वाद रहता है। वैसा अगर उस मटर का नमूना बनाओगे आप तो मीठा नहीं आएगा, यानी स्वादिष्ट नहीं बनेगा। हम लोग के गांव में क्या होता है, खेत से तोड़ के लाते हैं, एकदम से हरी एकदम कंचन मटर रहती है मीठी, उसका बनाते हैं नमूना हम लोग। मतलब हर चीज़ का एक अलग ढंग होता है। क्या वैसे किसी भी मटर का नमूना बना दोगे तो बोलोगे कि आप, मैं क्या नमूना बताई थी, अच्छा नहीं बना। तो आप जब भी नमूना बनाओ हरी मटर का, एकदम मीठी मटर का। इसको अभी हम पीस लेते हैं अच्छी तरीके से। ये देखिए मटर पीस गई है, और हम मटर को बारीक पीसे हैं, हल्का सा दरदरा है, ज़्यादा आप दरदरा मत बनाना नहीं तो निमोना अच्छा नहीं बनेगा, इसीलिए हम खड़ा मटर को भी रखे हैं। ये बड़ी भून गया। अब ये मटर है जो पीसा हुआ है, इसको हम भूनेंगे। आप इसको ध्यान से देखें, ये इस हरी मटर को जैसे आप देख रहे हो ये गीला है, ये हम इसको इतना भूनेंगे कि एकदम से भुरभुरा हो जाएगा, और तभी निमोना का असली स्वाद आप ले पाओगे। इसी तरीके से आप देसी तरीके से निमोना बनाएं। और मैं आपको बता दूं कि ये निमोना कम से कम 5 से 7 मिनट लगेगा इसको भूनने में अच्छी तरीके से। ये देखिए ये भूरा भूरा हो रहा है, ये तब इसी में ही, इसी से सुंदर आप कढ़ाई में देखोगे, ये देखिए लाल लाल दिख रहा है। तो ऐसा ही पूरी तरह से ये भुनाएगा। मैं आपको दिखा रही हूँ कि निमोना देसी स्टाइल से कैसे बनता है। बस आप ये ख्याल रखें कि ये लगने ना पाए, यानी जलने ना पाए। ये देखिए ऐसे पलट दीजिए, और जो करछुल में है वो भी आप निकालें ना, वो कच्चा रह जाएगा। ये देखिए नीचे, ये आप इसको लगातार चलाएंगे इस मटर के पीठी को, और आंच थोड़ा सा कम कर देंगे। जैसा लगे कि भून गया है, आंच कम करके, अभी तो हम आंच तेज करके भूने हैं, अब कम करके भूनेंगे। हमारे यहाँ जो हमारी दादी लोग बनाती थी तो बताती थी कि मटर अलग अलग हो जाए, यानी भुरभुरा हो जाए, तब तक भूनते थे। और बहुत ही स्वादिष्ट, मैं दादी लोग बनाती थी, माँ लोग, वैसा ही हम भी बनाते हैं भून के।
थोड़ा भी कच्चा, अगर कच्चे में हम डाल देते हैं पानी तो फिर बहुत डांट पड़ती है। इसको अच्छी तरीके से भून के फिर इसमें हम पानी डालेंगे। ये देखिए ये भून चुका है, पूरा अलग अलग हो गया है। अब इस कटोरे में हम इसको निकाल लेंगे। आँच कम कर दिए हैं ऐसे, ये देखिए। अब इसमें हम दोबारा तेल डाल रहे हैं, आँच को तेज कर देंगे। ये हींग है, जैसे हम आपको हींग नहीं दिखाए थे, हींग भी इसमें पड़ता है। ये हींग डाल दिए, वैसे भी ठंड में सभी सब्जियों में हींग डालते ही हैं। ये खड़ा मिर्चा है, दो ही मिर्चा डालें ऐसे दो टुकड़ा करके, जिसको पसंद होगा खाएंगे नहीं तो निकाल देंगे। जीरा है, जीरा डाल देंगे। और ये पिसा हुआ धनिया जो मैं आपको दिखाई थी उसको हम डाल रहे हैं। आँच को तेज कर देंगे और इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। तो आप इस ठंड में ऐसे ही निमोना बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। ये निमोना बाजरी की रोटी से, गेहूं मक्का की रोटी से, चावल से, किसी भी चीज़ से खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट यूपी स्टाइल देसी तरीके से निमोना बनेगा। ये है मटर, जो मटर मैं निकाली थी खड़ी, इसको हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा नरम हो जाएगा ये मटर भी। ये है हल्दी पाउडर, हल्दी हम बहुत थोड़ा सा डालेंगे, बहुत ही थोड़ा सा, क्योंकि निमोना हल्का हरा ही रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए ये मसाला भुन गया है, ताकि बहुत थोड़ा सा मसाला हम इसमें डाले हैं, धनिया का फल और लहसुन अदरक वगैरह। ये है बड़ी, जो बड़ी हम अभी भुने थे इसको हम इसी में डाल देंगे। ये है टमाटर, लंबा कटा हुआ टमाटर को भी हम इसी में डाल देंगे। आप इसी तरीके से निमोना बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट निमोना बनेगा। और बहुत ही सुगंधित। इसको थोड़ा सा हम दो मिनट के लिए ढक देंगे। ये देखिए ये टमाटर भी हो गया है और ये मटर भी नरम हो गई है। अब ये आलू है, इसमें हम डाल देंगे फ्राई आलू। और ये मटर है भुना हुआ, आप देखोगे एकदम से ये मटर अलग अलग है। आप जब भी निमोना बनाओ बिना भुने मटर का निमोना आप ना बनाओ। और ये गुट्ठी गुट्ठी होता तो बाद में हम इसको फोड़ देंगे। ये देखिए ये है यूपी स्टाइल देसी तरीके का निमोना, इसमें बहुत ही सुगंध आ रहा है। इसमें हम धनिया पत्ती नहीं डालेंगे, आप चाहें क्योंकि धनिया का फल डालें, आप चाहें तो धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। ये है नमक, अपने स्वाद के अनुसार आप नमक भी डाल सकते हैं। ये है थोड़ा सा गरम मसाला, बहुत हम गरम मसाला नहीं डालेंगे नहीं तो इसका खुद का जो स्वाद है वो नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो धनिया वगैरह के साथ जो मसाला डाले हैं वही मसाला निमोना में ज़्यादा पड़ता है। ये मटर का जो गुट्ठी गुट्ठी है हम इसको फोड़ देते हैं और इसको भी हम सब्जियों के साथ भूनेंगे अच्छी तरीके से। देखिए सब फूट गया। ये है पानी, पानी हम डाल देते हैं। तो पानी आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। इस निमोना में इतना हम पूरा पानी डालेंगे, ये पानी आधा लीटर है, क्योंकि ये निमोना पकेगा भी तब जो आलू वगैरह है, ये आलू जो फ्राई है इसके अंदर तक इसका स्वाद जाएगा, यानी कि मटर का।
आंच को हम तेज कर दिए हैं, ये देखिए। और इसमें जो भी, जैसे मान लीजिए निमोना का जो वो है अभी नहीं फूटा होगा, भुना हुआ, तो हम उसको चम्मच से ऐसे करके दबा देंगे तो फूट जाएगा। हो गया, अब इसको हम ढक के उबलने तक पकाएंगे, ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। उबल जाएगा तेज आंच में, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए निमोना अच्छी तरह से उबल रहा है, पक गया है, क्योंकि आलू भी फ्राई थी, मटर भी भुना गया है। सिर्फ इसको एक दूसरे में इसका स्वाद, यानी मटर का स्वाद आलू टमाटर सभी में आ जाए, इसलिए हम इसको थोड़ा पकाए हैं। ये देखिए, ये हमारा निमोना तैयार है। अब आप गर्मा गर्म चावल, रोटी, कुछ भी बनाएं और इसको अपने घर वालों के लिए परोसें। ये देखिए निमोना यूपी स्टाइल बन गया है। अब आप चावल बनाइए, सुबह सुबह का समय है, या रोटी, किसी के साथ भी निमोना खाया जा सकता है। तो कोंडौली डाल के मस्त निमोना बनाए हैं, बहुत सुगंध आ रहा है इसमें। हम लोग भी अब चलेंगे इसको खाने, चावल से, रोटी से। आप भी बनाएं। और सभी से मैं कहना चाहूँगी कि इस निमोना को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, क्योंकि सभी लोगों तक ये स्वादिष्ट व्यंजन पहुँचना चाहिए। और निमोना अच्छा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखते रहें आसान ज़िंदगी, तब तक के लिए नमस्कार।